कांग्रेस में अब नहीं है वरिष्ठ नेताओं का सम्मान, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त करते हुए तीन पीढ़ियों से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा देने के पीछे कारणों के बारे में कहा कि आजादी के बाद जब जब कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे इंदिरा गांधी संकट में रही तो कार्यकर्ताओं ने खुद को पार्टी के प्रति समर्पित कर दिया, मगर अब पार्टी में कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है, जिसके कारण मुझे व्यक्तिगत कष्ट हो रहा है और मैंने यह निर्णय लिया है कि मुझे इस पद पर रहना और नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यकर्ता शुरू से ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं पद पर नहीं बना रह सकता। आज ये पत्रकार साथियों को मैंने इसलिए एकत्रित किया था क्योंकि पिछले कुछ दिन मैंने एक फैसला लिया था कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो परिस्थितियाँ थी मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उसके लिए मैंने आप सबको यहाँ कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे, आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए मैंने देखिए हर पार्टी में समय समय पे एक सोच में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन आज आया है कांग्रेस पार्टी में, उस परिवर्तन में मुझे वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं था। आगे हम लोग ने किसी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की है, किसी भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा नहीं की है, जब तक मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, और वो परिवार सिर्फ इस घराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करके ही मैं आगे का फैसला, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव अगर वो सारे लोग कहेंगे कि अभी चुनाव मत लड़िएगा, तो मैं चुनाव भी लड़ने के लिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि मैं इस बार चुनाव ना लड़ूं। जी है, आज भी है, मुझे नहीं लगता है, वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते रहेंगे, और मेरे मन में उनके प्रति, माननीय श्री राहुल गांधी जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति वही प्रेम भाव है जो हमेशा रहा। हम लोग को ये भरोसा है और ये मुझे ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए आगे चल के एक विकल्प बनेगी, ये मुझे भरोसा है। मैं छोड़ रहा हूँ अपने साथियों के चलते। अभी 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 भविष्य की राजनीति पे ना कोई चर्चा हुई है और ना कोई फैसला हुआ है, और जिस दिन होगा मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाऊंगा और आप ही लोगों के, अगर आप लोग कहिएगा लड़ लीजिए तो लड़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है, मैं अन्य किसी व्यक्ति से, अन्य किसी नेता से, अन्य किसी कार्यकर्ता से ये कहूंगा ही नहीं कि आप कांग्रेस छोड़िए। अब अगर हमने कांग्रेस को किसी तत्कालीन लाभ के लिए छोड़ा होता, अगर हमने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस छोड़ा होता, तो ये आरोप लग सकता है। मुझे कांग्रेस के प्रति चिंता है, इसलिए मुझे छोड़ने की ये आवश्यकता पड़ी। अभी मेरी देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं ना पार्टी को बहुत बड़ा लाभ पहुँचा सकता हूँ, ना मेरे जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।